नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त आदित्यनाथ झा, इंस्पायर टू हिंदी से। और अगर आपको याद होगा, काफी टाइम पहले हमने एक बिल्ड करी थी 50,000 रुपए पे। और कई बार ऐसा होता है कि 50,000 एक बहुत ही जबरदस्त प्राइस पॉइंट होता है उन लोगों के लिए जो कि एक अच्छा लिमिट स्पेंड करने को मतलब तैयार हैं, पर ऐसा भी नहीं है कि एकदम मतलब छत फाड़ के एकदम ही अंधाधुंध बिल्ड बनाना चाहते हैं। तो 50,000 एक ऐसी प्राइस रेंज है जो मतलब कुछ समय तक सेव करके एक व्यक्ति आ सकता है उस एक निष्कर्ष पे कि हाँ यार 50,000 की बिल्ड बनाते हैं। और घर वाले भी कई बार पैसा दे देते हैं या खुद से भी जुगाड़ हो जाता है। तो आज हम एक ऐसी प्रॉपर वाली बिल्ड बनाने वाले हैं 50,000 रुपये में, जिसमें आप बहुत ही ज़बरदस्त गेमिंग भी कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी टास्क भी बहुत सही से कर सकते हैं और इशूज़ नहीं आएंगे उसमें कुछ भी ऐसा करने में। मतलब कि अगर आप एक स्ट्रीमर हैं तो आपकी स्ट्रीमिंग भी काफी हद तक सही से हो जाएगी। तो दोस्तों, ऐसी किसी भी बिल्ड का सबसे जो एक कोर कंपोनेंट होता है वो होता है उसका सीपीयू। तो हमने यहां पे जो सीपीयू यूज करा हुआ है इंटेल का कोर i5 9400F। तो F जो है इसमें उसका मतलब ये है कि इसके अंदर इंटरनल ग्राफिक्स जो है वो नहीं है या मोस्ट प्रोबेबली डिसेबल्ड है। इंटेल ने क्या करा कि अभी अपनी यील्ड बढ़ाने के लिए, यील्ड इन द सेंस कि प्रोसेसर्स जो फैब्रिकेट कर रहे हैं वो कितने सारे प्रोसेसर्स में कई बार ऐसा होता था कि इंटरनल जीपीयू सही से नहीं चल रहा होता था तो उन्होंने वो प्रोसेसर डिस्कार्ड करना पड़ता था। तो उन्होंने क्या करा कि उस IGPU को डिसेबल कर दिया और एक नई प्रोडक्ट लाइन बना दी 9400F नाम से। और ऐसे ही जो F सीरीज है उसमें किसी में भी GPU नहीं है, पर अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि गेमर है तो आप वैसे भी डिस्क्रीट GPU लगाएंगे ही लगाएंगे। और तब तो उतना ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता कि अगर आपके जो इंटरनल CPU के अंदर IGPU है कि नहीं है। तो 9400F जो है ये 6 कोर्स वाला प्रोसेसर है और इसमें 6 कोर 6 थ्रेड है, हाइपर थ्रेडिंग नहीं है। पर क्योंकि इसके जो 6 कोर्स है उनकी क्लॉक स्पीड बहुत सही है, हाई है, तो जो सिंगल कोर परफॉर्मेंस आपको मिलती है वो काफी बढ़िया मिलती है। और इसका करंट मार्केट प्राइस अभी यहां पर चल रहा है इधर नेहरू प्लेस मार्केट में जनरेशन नेक्स्ट में 15,500 रुपए। 15,500 रुपए एक बहुत ही सही प्राइस है स्पेंड करने के लिए एक ऐसे प्रोसेसर के लिए। और क्योंकि इसके अंदर इंटरनल GPU डिसेबल्ड है तो इसका जो सस्टेंड सिंगल कोर परफॉर्मेंस आता है, यानी लंबे समय तक इसका जो सिंगल कोर परफॉर्मेंस है वो ज्यादा हाई बना रहता है। तो एक प्लस पॉइंट मिल जाता है आपको, बशर्ते कि अगर आप थोड़ा और पैसा लगा के IGPU वाला मॉडल लेंगे i5 9400 का, तो उसमें आपको शायद से उतना हाई सिंगल कोर परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा एज कम्पेयर टू F वाले मॉडल में। तो गेमर्स के लिए एक बेटर चॉइस है। इसके अलावा इसके अंदर हम जो मदरबोर्ड यूज कर रहे हैं वो गीगाबाइट का H310MH मॉडल यूज कर रहे हैं। सही मदरबोर्ड है, ठीक ठाक एक्सपेंशन ऑप्शन है आपके पास। इसके अंदर एक PCIe 3 एक्सप्रेस स्लॉट है और ड्यूल चैनल DDR4 रैम ये सपोर्ट करता है। 4 SATA 3 इसमें स्लॉट्स है, LAN स्लॉट भी दिया हुआ है, 4 USB 3.1 Gen 1 के स्लॉट है और ये माइक्रो ATX फॉर्म फैक्टर वाला मदरबोर्ड है। तो ये जो मदरबोर्ड है ये अभी यहाँ पे उपलब्ध है 4800 रुपीज पे, जो कि एक ठीक ठाक प्राइस है, उतना मतलब मदरबोर्ड पे हम ज्यादा पैसा नहीं लगा रहे हैं। इसके अलावा जो हम एक इंटरनल स्टोरेज यूज करने वाले हैं इसमें, हम क्योंकि एक बहुत ही सही वाली बिल्ड है, 50,000 रुपए की बिल्ड है, तो इसमें हम दोनों ही ऑप्शन दे रहे हैं, यानी कि आपको हम SSD भी देंगे और आप इसमें एक अच्छी सी हार्ड डिस्क भी लगा लें। तो 120GB की SSD जिसके अंदर आप अपना OS रखेंगे और बेसिक जो भी मेन एप्लीकेशन है वो रखेंगे, और इसके अलावा 1 TB की WD Blue की हार्ड डिस्क। तो इन दोनों का जो रेट है वो आपको पड़ेगा, हार्ड डिस्क आपको पड़ेगी 3,000 रुपए पे, 7200 RPM वाली हार्ड डिस्क है। और इसके अलावा जो 120GB SSD है उसका करंट रेट अभी चल रहा है 1700 रुपए। तो ठीक ठाक ही रेट है, मतलब उतना ज्यादा स्टोरेज पे भी आपने नहीं खर्च किया और आपको फास्ट स्टोरेज भी मिल रही है, साथ में एक्सपेंशन के लिए और बाकी अन्य फाइल्स को रखने के लिए 1 TB की भी स्टोरेज मिल रही है। अगली चीज जो कि बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होती है वो होती है रैम। तो हम यहाँ पे जो रैम यूज कर रहे हैं वो हम यूज कर रहे हैं Corsair Vengeance DDR4 2400 MHz वाली ड्यूअल चैनल में 8GB की 2 sticks। इनका करंट रेट अभी जो चल रहा है वो चल रहा है 7800 रुपए और एक बहुत ही सही चॉइस है, क्योंकि 16GB रैम में कहीं पर भी मतलब बॉटलनेक होने की या कहीं और कोई और दिक्कत आने की कोई भी संभावना नहीं है। 16GB रैम बहुत सही है आपको, अगर वीडियो एडिटिंग करनी है उसके लिए भी, स्ट्रीमिंग करनी है उसके लिए भी, गेमिंग करने के लिए भी, कहीं पे भी कोई रुकावट नहीं आएगी। पावर सप्लाई जो हमने यहाँ पे यूज करी वो हमने यूज करी Corsair की VS450 पावर सप्लाई। 450 वॉट जो है वो जो हम अभी हमारा GPU चॉइस होने वाला है उसके लिए काफी हद तक सही है। भविष्य में अगर आप एक बहुत ही खतरनाक कोई GPU लगाते हैं तो शायद आपको अपनी पावर सप्लाई अपग्रेड करनी पड़े, पर अभी के लिए जो हमारा GPU चॉइस और करंट कंपोनेंट्स का चॉइस है उस हिसाब से 450 वॉट काम चल जाएगा। VS450 का करंट जो रेट चल रहा है मार्केट में वो भी चल रहा है 2400 रुपए यहाँ पर, और ठीक ठाक प्राइस है अभी, मतलब ऑलमोस्ट लाइक मेरा ये पर्सनली मानना ये है कि आप जैसे हमारी वीडियोस देखते हैं, कोई भी और अन्य वीडियोस देखते हैं, तो आप उसके बाद अपनी खुद की रिसर्च करिए, आइए 10-15 जगह पूछिए, आपको जहां पर भी बेस्ट रेट मिल रहा है वहां से लीजिए, मतलब लेकिन
कोशिश यही कीजिए कि अपनी रिसर्च पूरी करिए और फिर प्रोडक्ट्स को खरीदिए। और जैसे यहाँ पे मैं हूँ जनरेशन नेक्स्ट पे, तो यहाँ पे भी मुझे काफ़ी बढ़िया प्राइसेस मिल जाते हैं। तो ऐसे अन्य जगहों पे भी नेहरू प्लेस मार्केट में काफ़ी बढ़िया प्राइस मिल जाते हैं। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि दिल्ली बेस्ड नहीं है और आपको कई बार ऐसा लग रहा होगा कि यार ये बंदा तो यार इतनी सारी बिल्ड्स बताता है पर हम ले नहीं पा रहे, तो इन लोगों की अपनी एक ऑनलाइन वेबसाइट भी है, या तो जैसे कॉन्टैक्ट्स वगैरह होंगे उनसे आप पूछ सकते हैं, या कोई और जो आपका जान पहचान वाला दिल्ली में रहता हो उनसे बात कीजिए और सस्ते से सस्ते दामों में एक बढ़िया बिल्ड बना के ले जाइए। जब आपको कम दाम में अच्छी परफॉर्मेंस मिल सकती है तो क्यों आप ज़्यादा पैसा खर्च करें। अब जो इस बिल्ड की जान एक और होने वाली है, जो जीपीयू है, वो एक थोड़ा सोचने वाला पार्ट था कि जीपीयू कौन सा लगाया जाए। तो दो ऑप्शंस थे मेरे पास, बजट जो 50,000 रुपये का हमारा बजट है वो देखते हुए। पहला ऑप्शन था कि 1060 लगाया जाए 3GB वाला, दूसरा ऑप्शन था RX 580 लगाया जाए 4GB वाला। तो हमने चूज़ किया RX 580 4GB वाला। क्यों? क्योंकि इसकी जो टेक्सचर परफॉर्मेंस है वो बेटर है कई मामलों में 1060 3GB से। ज़्यादातर गेम्स जैसे कि ओवरवॉच हो गया, एपेक्स लेजेंड्स हो गया, उन सब में ही RX 580 में आपको ज़्यादा FPS मिलेगा कंपेयर टू 1060 3GB। और वही लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस जो है वो RX 580 की ज़्यादा बेटर है ऑलमोस्ट सारे एप्लीकेशंस में। तो आपको RX 580 4GB वाला एडिशन यहाँ पे 14,000 रुपये में मिल जाएगा। क्योंकि इस बिल्ड में सारे कंपोनेंट्स जो हम यूज़ करने वाले थे वो बहुत ही हाई परफॉर्मेंस और सब कुछ ज़बरदस्त ज़बरदस्त वाला था, तो कहीं पर जो पैसा बचाना था तो हमने पैसा जो बचाया वो बचाया कैबिनेट पे। हम यूज़ कर रहे हैं आईबॉल की प्रेसिडेंट कैबिनेट जो कि माइक्रो एटिक्स फॉर्म फैक्टर वाली है। और ये कैबिनेट जो है इसमें कुछ भी फैंसी नहीं है, ना RGB लाइट्स है, ना इसमें साइड में कोई ट्रांसपेरेंट वाला एक ग्लास टेम्पर्ड ग्लास वाला स्लैब है, कुछ भी वैसे नहीं है। बट क्योंकि ये सिर्फ 1,000 रुपये की है तो ये कैबिनेट यूज़ करना इस केस में काफ़ी हद तक इकोनॉमिकल चॉइस हो जाता है। तो कुल मिला के इन सारी चीज़ों का प्राइस ऐड करके बिना मॉनिटर और बिना कीबोर्ड के आपका आता है 50,200 रुपये पे। 200 रुपये यार थोड़ा मतलब ज़्यादा हो गया, बट फिर भी 50,200 रुपये पे आपको एक ऐसी बिल्ड मिल रही है जो कि गेमिंग के लिए ज़बरदस्त है, कंटेंट क्रिएशन के लिए ज़बरदस्त है। आप इसमें आराम से प्रीमियर प्रो आफ्टर इफेक्ट सब कुछ चला सकते हैं, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। 6 कोर 6 थ्रेड बहुत काफ़ी होता है इन सब एप्लीकेशंस के लिए। और यही जो बिल्ड है इस पर आप स्ट्रीमिंग भी आराम से कर सकते हैं, और ऐसा नहीं कि मतलब सिर्फ पबजी मोबाइल वाली स्ट्रीमिंग, आप प्रॉपर वाली स्ट्रीमिंग इस पर कर सकते हैं, आपको इशूज़ या बॉटलनेक्स नहीं आएंगे। और जो लोग पबजी मोबाइल स्ट्रीम करते हैं उनके लिए भी और बाकी सब तो बढ़िया ही है। तो अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो भी मार्केट में उतरेंगे एक प्रॉपर बिल्ड लेने के लिए जो कि गेमिंग के लिए होगी, तो आई थिंक i5-9400F पे बेस्ड बिल्ड काफ़ी सही हो सकती है आपके लिए। हमारा कोर i5-9400F का फुल रिव्यू और एक अनबॉक्सिंग जल्दी चैनल पे आने वाला है, तो उसके लिए भी सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे एक छोटी सी घंटी है उसको श्रद्धालु होकर बजा दीजिए, और हमेशा की तरह सतत निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित रहिए।